वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ स्लीव का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली हुई है। लेंथ मैंने 17.5 इंच रखी है कटिंग में, और मोरी इसकी मैंने कटिंग में 7 इंच रखी है, और मोरी 5 इंच रेडी करूंगी, और आर्म होल मैंने 9 इंच रेडी रखना है। तो अब हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है एक, इसकी मैं डायमेंशन आपको बता देती हूँ। जैसे मोरी हमने 7 इंच रखी थी, यानी कि सिंगल करके 14 इंच, तो उस हिसाब से मैंने ये 1 इंच ज़्यादा लिया है लेंथ में, 14 की बजाय मैंने 15 इंच लिया है, और इसकी जो चौड़ाई है फ्यूजिंग पेपर की वो 4 इंच ली है मैंने। तो फ्यूजिंग पेपर की डायमेंशन के हिसाब से मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो आधा आधा इंच हमने मार्जिन रखना है उसमें। तो अभी इनको ऐसे जो शाइनिंग वाली साइड है वो हमने कपड़े की उल्टी तरफ अटैच करके इसको प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगेगा, क्योंकि ये आसानी से चिपकती नहीं है फैब्रिक के साथ, तो आपको ध्यान से और पेशेंस रख के ये अटैच करनी होगी। बुकरम थोड़ी सी इजी पेस्ट हो जाती है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब देखिए, कॉर्नर से मैंने सीधी तरफ 1.5 इंच का पहला एक निशान लगाया है, उसके बाद मैंने 1-1 इंच का गैप रखा है। तो ये गैप आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही मैं पूरे कपड़े पे 1-1 इंच के गैप पे सारी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी, और ये लाइंस डायगनल हैं, आप चाहें तो सीधी लाइंस भी लगा सकते हैं। तो अब भी मैंने ये समोसा लेस ली है, इसको समोसा लेस बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे मशीन का टांका ज़्यादा बारीक नहीं रखना, क्योंकि फिर थोड़ा लेस में झोल सा आ जाता है, वो हमने अवॉइड करना है। अब देखिए, ऐसे ही हमने सारी लाइंस पे लेस को अटैच करते जाना है। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना था ये, और बहुत इजी है बनाने में ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। पैटर्न की जो मेजरमेंट है वो आपने अपनी मोरी के हिसाब से लेनी है, तो बिल्कुल इजी है ये बनाने में। बस इसी तरह से आपने लाइंस को लगाते जाना है, और देखिए ऑलमोस्ट हमारी सारी लाइंस पे लेसेस लग चुकी हैं। अब हमने एक्स्ट्रा लेस को और फैब्रिक को कट कर लेना है, जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकली हुई है लेसेस, उसको फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और अब हमने अपनी बाजू पे इसको प्लेस करना है। बाजू लेंगे अपनी, इसकी उल्टी तरफ जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और पैटर्न को उल्टा इसके ऊपर प्लेस करना है, जो यानी कि इसकी जो सीधी साइड है वो बाजू की उल्टी साइड से मैच करनी चाहिए। अब हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है, और देखिए मैंने आपको दिख रहा होगा ब्लू चौक से मैंने पैटर्न पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है, वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, ताकि जो पैटर्न का सेंटर है और बाजू का सेंटर है वो आपस में सेट रहें। अब जो सिलाई रह गई है, पेंडिंग सिलाई है जो, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो बैक साइड पे जो मार्जिन हमारा है,
उसको सेट करने के लिए बाजू पे एक सिलाई लगाएंगे, ये रफ स्टिच लगाना है आपने। अगर आपने ये रफ स्टिच अवॉइड करना है तो आप फिर पैटर्न को राइट साइड पे टर्न करके प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लें। और इसको सीधी साइड टर्न करने के बाद पैटर्न के सेंटर में एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ये रफ स्टिच बाद में खोल देंगे। ये रफ स्टिच हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमने पैटर्न के टॉप पे लेस अटैच करनी है, तो उस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। और ये सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कपड़े के नीचे, आप देखें ऐसे पैटर्न को उठा के आप चेक कर लें एक बार कि स्लीव का कपड़ा जो है वो कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें झोल नहीं आना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ हमारा ये मार्जिन है, इसको सेट करने के लिए मैंने फेविस्टिक यूज़ की है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ऐसे इसको पेस्ट करते जाएंगे और मार्जिन हमारा उल्टी तरफ सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इस एरिया में लेस अटैच करनी है। लेस मैंने कटवर्क वाली ली है और मेरे पास लेस की लेंथ कम थी, तो इसलिए मैंने दोनों साइड से कपड़ा छोड़ के फिर इसको सेंटर में प्लेस किया है इस तरह से। ये देखिए, और इसको पैटर्न के नीचे थोड़ा सा इस तरह से दबा लेंगे और इसको सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और ये टिश्यू लेस भी हमारी अटैच हो गई है स्लीव के साथ। और देखिए, जो लेस के ऊपर हमारा कटवर्क बना हुआ है वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगानी क्योंकि सिलाई देखने में फिर ख़राब लगेगी, तो वहाँ पे मैंने सुई के साथ टांके लगा लेने हैं। और इस एरिया में भी हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। ये देखिए, आप चाहे तो इस एरिया में फैब्रिक ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुई के साथ टांके लगा लूँगी क्योंकि टांके जो होते हैं वो थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5.25 इंच मोरी पे निशान लगा के यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल ये डिज़ाइन बना है। और देखिए, प्लेन बाजू हमारी डिज़ाइन करने के बाद
कितनी प्यारी और ग्रेसफुल बन गई है। तो दूसरी वाली बाजू भी मैंने रेडी करके रख ली हुई है, तो अभी मैं दोनों बाजू एक साथ रख के आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी। जब भी आपने इस तरह की लेस अटैच करनी है तो किस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखिए, ये वाली जो है राइट स्लीव है और दूसरी वाली जो है लेफ़्ट स्लीव है। तो आप इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो पॉइंट, वो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे जो लेस का फेस है ट्रायंगल्स का, वो बाहर की तरफ है और लेफ़्ट वाली स्लीव का भी बाहर की तरफ है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एक का फेस बाहर की तरफ है तो दूसरी का भी बाहर की तरफ होना चाहिए, अगर एक का फेस अंदर की तरफ है तो दूसरी का भी अंदर की तरफ होना चाहिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।